94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों, उसके लेकर आज धरना का छठा दिन है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे दूसरे दिन लाठीचार्ज हुआ, तीसरे दिन बिहार के विपक्ष के नेता आए, इको पार्क में हुई, उसके बाद यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। अभी लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सकल देवराम हुआ, मुजफ्फरपुर से, मरवन ब्लॉक के करजा पंचायत से। 18 तारीख से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। शिक्षक बहाली का काम हम लोग पूर्ण करा करके ही जाएंगे। 90% हम लोगों का काम हो चुका है और ओपन कैंप का हम लोग शेड्यूल जब तक जारी नहीं करा देते हैं और हम लोग स्कूल नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग जो है कि डटे रहेंगे। हर हाल में हम लोग जो है कि इस कड़ाके के ठंड में गाछ वृक्ष के नीचे रोडों पर जो है कि हम लोग बिना लाइट के, बिना सुरक्षा के हम लोग जो है कि यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी जो है कि हम लोगों को आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम लोगों को तुरंत से तुरंत जो है कि काउंसलिंग का डेट निकाल करके ओपन कैंप के माध्यम से बहाल किया जाए। और भी अभ्यर्थियों से मैं बात करता हूँ, ओपन कैंप से डायरेक्ट बहाल करने की बात कर रहे हैं। अमित जी थोड़ा आगे आ जाएंगे और अमित जी को जगह देंगे थोड़ा ज़्यादा ताकि वो कवर कर सकें। क्या नाम हुआ सर आपका? जी सर, मेरा नाम पकड़े हुए हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली हुआ, मैं सिवान से आया हूँ और मैंने लगभग 150 जगह आवेदन किया है और जिसमें 50,000 तक खर्च किया है मैंने। और बस हम लोग का एक यही मांग है कि हम लोग की ओपन काउंसलिंग के माध्यम से जल्द काउंसलिंग किया जाए। और इतना हम लोग परेशान है कि मैं दो लाइन आपको सुनाता हूँ। जी सुनाइए। इंसाफ का दरिया वो चढ़ने नहीं देते, इतिहास नई नस्लों को वो गढ़ने नहीं देते, खराब सिस्टम के मौजूद ये नेता बिहार के बच्चों को पढ़ने नहीं देते। इस तरह कर बहुत लिखे हैं सर। जी सर, मैं एक पोएट भी हूँ, उर्दू शायरी करता हूँ और मैं इससे पहले मैं कई जगह जॉब छोड़ चुका हूँ। बाहर दिल्ली का टीचर का जॉब छोड़ दिया था कि मुझे बिहार के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। कहां से? मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आसनसोल से किया है मैंने। और मैंने इससे पहले 2-3 जगह जॉब इसलिए छोड़ दिया कि मुझे बिहार के बच्चों को भविष्य संवारना था। ये सिवान से आए हैं भाई साहब, अपना दर्द बयां कर रहे थे। आओ भी कोई बोलेंगे सर इधर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ और मैं समस्तीपुर से आया हूँ। जी जी। और मैं मांग करता हूँ कि हम लोगों का ओपन कैंप के माध्यम से जल्दी हम लोगों का बहाली किया जाए, नियोजन पत्र दिया जाए। यहाँ भूखे प्यासे ना कोई सुरक्षा का व्यवस्था है, ना सही से भोजन का प्रबंध हो पाता है। आज कितना दिन हुआ है सर? आज छठा दिन है और हम लोग 6 दिन से डटे हुए हैं। बस यही मांग करता हूँ, शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी विद्यालय में जाए। आपका कितना दिन है सर? छठा दिन है सर, हम भी समस्तीपुर जिला से हैं। समस्तीपुर से आए जी, अलग अलग जिलों से आए हैं। जरा हम इधर से अब बात करना चाहेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे अभी आगे हमने महिलाओं से बात करा दिया, बीच में भी बात करा दिया, पीछे भी आएंगे। आप बताएंगे सर आप कुछ, कहाँ से आए हैं? भोजपुर। भोजपुर से जी। बी एड किए थे सर कहाँ से? 16-18 का सेशन मैम, बिग वर्क्स यूनिवर्सिटी माता मंझारू आजाद विद्यालय से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। क्या कहना से हमने बी एड पास किया। वर्तमान सरकार से कहना यही चाहेंगे कि वर्तमान सरकार की जो नीति है नीतीश कुमार की, वह बेहद ही खराब रहा है, दुखदायी रहा है सभी नवयुवकों के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए। योग्य होते हुए भी इन लोगों को उन योग्यता के अनुसार उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जिस हम लोग सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने हक अधिकार का मांग कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि चूंकि हम लोग सरकार के सभी मानकों और मापदंडों पर खड़ा उतर रहे हैं और उतरे हैं, तो हम लोग को यथाशीघ्र अविलंब जितना जल्द हो सके स्कूल में नियुक्त कराएं। इसके लिए ओपन कैंप की जो भी प्रक्रिया हो यथाशीघ्र अपनाएं और हम सभी को ज्वाइनिंग लेटर बांटने की प्रक्रिया शुरू करें। ओपन कैंप के जरिए कई शिक्षक कह रहे हैं कि ओपन कैंप के जरिए नियुक्ति की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अमित जी, इस रो में बताइएगा सर, थोड़ा सा क्या बताना चाहते हैं? सर हम बिहार सरकार से सर एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आपको ये बहाली करनी ही नहीं थी तो फिर आप इतना नौटंकी क्यों किए? आखिर हम लोग 2017 से बीटेट पास करके, बहुत सारे बच्चे सीटेट पास करके, आज जिसको स्कूल में होना चाहिए था आज वो रोड पे भटक रहे हैं पिछले 6 दिन से, खुले आसमान के नीचे। बहुत बच्चे स्टेशन पे सोते हैं,
बहुत बच्चे के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, भूखे प्यासे रह करके यहाँ 6 दिन से डटे हुए हैं। तो मेरा कहना है बिहार सरकार से कि आखिर मतलब आप हम लोग का नहीं सुनेंगे तो हम लोग का कौन सुनेगा? आखिर जब ये आपको बहाली करनी नहीं थी तो आप नोटिफिकेशन आपको नहीं निकालना चाहिए? अभी भी सरकार पे भरोसा है कि वो बहाली कर लेंगे? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि मेरा हम लोग का जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है। जो हम लोग का टीचर बनने के लिए जो उसका अहर्ता है, हम लोग उस अहर्ता को बिल्कुल फुलफिल करते हैं। तो हम लोग का मांग बिल्कुल जायज है और सरकार हमारी मांग सरकार बिल्कुल मानेगी, हम लोग पूरा विश्वास। अभ्यर्थी एक अभ्यर्थी बोलने के लिए तैयार हैं, बताइएगा भैया। जी मेरा नाम ज्ञान झा है और तो एक्चुअली मैं आपके दर्शकों को अभी जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें एक ऐसी बात उभर के सामने आ रही है कि हम लोग जॉब मांग रहे हैं, कि हम लोग बेरोजगार हैं और जॉब मांग रहे हैं। बात एक्चुअली ऐसी है नहीं, इसमें एक ऐसी बात है जिसको हो सकता है कि हम लोग मतलब या तो हड़बड़ी में नहीं बता पा रहे हैं या लोगों को स्पष्ट नहीं हो रही होगी। बात यह है कि इलेक्शन के ठीक पहले हम लोगों को सरकार के लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे तो ये बहाली नहीं रुकेगी और ये बहाली हर हाल में पूर्ण होगी। इसके आधार पे वोट ले लिया गया और जब अब इलेक्शन ख़त्म हो चुकी है तो फिर मतलब एक चुप्पी, पूरी तरह से चुप्पी है। अरे नहीं लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिहार के स्कूलों में आप मनरेगा के वर्कर तो नहीं ला सकते हैं ना, आपको तो लाना होगा। तो कहाँ, अगर आप सपोज करिए आप कहते हैं कि हमारे पास फेक डिग्री नहीं, मैंने फेक डिग्री है, एज्यूम करते हैं कि लेट से कि वी हैव फेक डिग्रीज, किस कहाँ से, इटली से लाएंगे कि अमेरिका से लाएंगे ओरिजिनल डिग्री वाले को? हम ही लोग हैं इनमें से, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास में कुछ ऐसी बातें हो तो उसको चेक करके आप देख लीजिए इसमें क्या जाता है, लेकिन अंततोगत्वा हम ही हैं जो पढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ जो आपके दर्शकों को मैं बताना, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, कि जो ये जॉब है वो हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं वास्तव में, नहीं ना, हक भी नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने इलेक्शन से पहले हम लोगों को वादा किया था, हमसे आवेदन पत्र जो मंगाए थे उसमें क्लियरली कहीं नहीं ये लिखा हुआ था कि आप लोगों के लिए एक प्रैंक है और मजाक कर रहे हैं आपसे, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आपको हम ले लेंगे करके। तो ये एक बहुत ही नए तरह के क्राइम के बारे में मैं आपको संकेत देना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा क्राइम है। आप लोगों को इस मुद्दा को उठाना चाहिए, अगर हिम्मत है तो आप उठा करके दिखाइए कि बातें पहुँचाई जाएगी, इस पर देखते रहिएगा। मेरी बात, मैं चाहता हूँ कि इसको संक्षिप्त में कहिए, बहुत सारे अभ्यास, बस बस नहीं, अंतिम पार्ट आप दिखाइए कि आप ये दिखाइए कि कोई भी पार्टी इलेक्शन से पहले कोई प्रोमिस करके वोट ले ले और इसके बाद वो अपने इससे चेंज हो जाए तो क्या इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? ये तो क्लियर कट वही मामला है। हम लोग कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो जॉब देने की तो बात हो ही चुकी है, लेकिन ये चुप्पी क्यों? आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि हाँ जी आप लोगों को लिया जाएगा, इलेक्शन के बाद अब वो वाली बात की, मेमने वाली बात की, नीचे मेमना पानी पी रहा है, भेड़िया ऊपर पानी पी रहा है, अब ऊपर से बोल रहा है कि आप तुम पानी गंदा क्यों कर रहा है। जो कहानी हम लोग बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को, दिन जिंदगी भर यही किए हैं। जी जी जी, एक अधिकारी हैं वो भी अब पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, हम भी जरा उनसे पूछ लेते हैं और अभी के लिए इतना ही कहेंगे, फिर मैं उसके बाद पीछे वाले अभ्यर्थियों से मैं बात कर लूँगा, 5 मिनट पीछे भी मैं बात करूँगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि अभ्यर्थी ठिठुरती ठंड में 6ठे दिन भी यहाँ पे जमे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन अपनी तरीके से बैठे हुए हैं, ये लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, झकास भारत लगातार देखते रहिए, जो भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की बात होगी या छात्रों की मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप इसको